तो कैसे हो दोस्तों, आज हम सीखेंगे IRCTC से कैसे ट्रेन टिकट बुक करते हैं। तो सबसे पहले आपको IRCTC का वेबसाइट खोल लेना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम आप इस वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करके एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए इसके लिए एक और वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे सिर्फ टिकट बुक करना। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे ये कैप्चा जो है आपको डालना है। कैप्चा डालने के बाद साइन इन करना है। तो आप जहाँ से जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं उस स्टेशन का नाम भरिए, उसके बाद 2 पे जहाँ तक आप जाना चाहते हैं उस स्टेशन का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे 30 तारीख सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप अगर सिर्फ और सिर्फ AC या स्लीपर का कोई क्लास देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आपको अलग अलग क्लास जो है मिल जाएगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर ऑल रखेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी ट्रेन अवेलेबल है उस दिन में सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि देख रहा है ये ट्रेन जो कैंसिल है वो भी शो हो रहा है, और ये जो ट्रेन है यहाँ पे टिकट जो अवेलेबल है आप देख सकते हैं। तो हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है टाइम है, ये डेट और टाइम यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेन का नाम, ट्रेन नंबर, और ये डेस्टिनेशन में पहुँचने का टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, एग्री। उसके बाद यहाँ आपको पैसेंजर का जो डिटेल्स है वो भरना है, पैसेंजर नेम, पैसेंजर का एज, जेंडर, और यह जो प्रेफरेंस है यहाँ पे आप, हमने यहाँ पे विंडो साइड सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप स्लीपर क्लास में जाते हैं, ये जो ट्रेन है बेसिकली ये सीटिंग पोजीशन के लिए है, ये यहाँ पे स्लीपर जो है अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप स्लीपर या कोई और कोच का अगर रिजर्वेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपर बर्थ, लोअर बर्थ और मिडिल बर्थ यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आपका चॉइस के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप और भी पैसेंजर ऐड करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक कीजिए और उसका डिटेल्स भर दीजिए। इस तरह से आप 4-5 और भी ऐड कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल के लिए अभी एक ही करेंगे, तो एक ही काफ़ी है। यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल का नंबर डाल देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो फिल करना है आपको। तो यहाँ पे एड्रेस हमने लगभग फिल तो यहाँ पे एड्रेस हमने फिल कर लिया है। अगर आपको GST बिल चाहिए तो यहाँ पे आप GST दे सकते हैं। तो उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन है हम इसे एक्सेप्ट करके यहाँ पे पेमेंट में हम UPI सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पेमेंट जो है हम UPI से करेंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह का एक पेज होगा जहाँ पे आपका टिकट का पूरा डिटेल्स होगा। जैसे यहाँ पे नेम, टाइम, डेट आपको यहाँ पे सारे के सारे चेक कर लेना है। और यहाँ पे जो है ट्रेन का जो फेयर है वो डिटेल में यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये सारे चेक कर लेना है और उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है हमने UPI सिलेक्ट किया था, चला डाल दिया। तो यहाँ पे हमने UPI आईडी फिल कर लिया है आपने, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ से हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल।
तो दोस्तों फाइनल जो है हमारा टिकट बुक हो चुका है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ इस तरह का टिकट जो है मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ट्रेन का जो पूरा डिटेल्स है, जर्नी का जो पूरा डिटेल्स है यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जो आपका फेयर है यानी कि भाड़ा है उसका डिटेल्स यहाँ पे, और यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स और ट्रेन का जो बोगी है और सीट नंबर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।